हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रेटर एरिया के लिए करना चाहेंगे। ड्रॉप होने के बाद रिकवरी करते हैं उसकी, तो हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। हमें ये एसी वाला पाइप होता है, वाला स्पंज पाइप होता है, ये चाहिए हमें। और एक पाउडर चाहिए, बोल रहे जख्म सुखाने वगैरह का होता है। और ये डॉक्टर टेप, एक सीधा चाहिए हमें। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। जो हमारी फॉर्म होती है, हमें इसको पान में डालना है। इसका साइज लेने के लिए हमें इसको पूरा पान में डालना, पान को इसके अंदर खींचना और फिर पकड़ के जितना साइज बैठे उतना काटना, ठीक है। ये देखो, हमें इस पर इसे कान में चिपकाने के लिए हमें इसको उल्टा टेप लगाना पड़ेगा। कैसे, एक बार हम सीधा लगाएंगे इस पर, इधर से करने के बाद यहाँ से उल्टा टेप लगाएंगे। है इसको, और ये पूरी ढड़ाई तक डालना है अंदर, ये ऐसे जितना होता है इतना अंदर डालना है। ये 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 ऐसा आ जाता है। फिर इसके बाद में इसमें हम टेपिंग करनी है। ये लगाने के बाद हमें यहाँ पे लगाना है पिट पे, इधर से टेप लगाते ये वाली साइड अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, टाइट नहीं हो ज़्यादा, आराम आराम से लगाना है। जो इसका ईयर होता है हमें ऊपर टाइट खींच के रखना है, टाइट टेप लपेटना नहीं है उस पर, खाली ये टाइट कान खींच के रखना है इसका। यही सेम ट्रिक दूसरे ईयर में अप्लाई करनी है, ठीक है।
हमें इसके ईयर को ऊपर को खींच के रखना है। टेपिंग हमें हमेशा अंदर के साइड से लेनी है ताकि जो इसकी खाल है ना ये अंदर के साइड में फोल्ड हो सके। हमें ईयर पे जो टेप लगाना है ना ये वो बहुत स्मूथली लगाना है जिससे कि इसका ब्लड सर्कुलेशन रुके नहीं। ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा इसका तो ईयर खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है, और इसका ईयर ख़राब होने के भी चांसेस रहेंगे। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है ज़्यादा टाइट नहीं हो इसका ईयर टेप, ठीक है, स्मूथली करना है, ठीक है, इसकी टेपिंग। अभी ये टेपिंग सिर्फ कान खड़े होने के लिए हुई है, अब हमें इन्हें स्ट्रेट पोजीशन देनी है, ठीक है। अब हमें इन्हें स्ट्रेट पोजीशन देने के लिए इसको आपस में क्लोज करो, फिर इस पर एक साइड से हम टेप लगाएंगे, ठीक है, टेप लगाएंगे हम इस पर आगे से। ये हमने टेप लगा दिया, अब ये आगे से टेप हो गया हमारा भी। अब इसको हम थोड़ा सा पीछे से टेप लगाएंगे, ये पीछे से टेप लग चुका है हमारा अभी। अब हम इसको आप फिर क्लोज कर देंगे, आप बीच में टेप चिपका देंगे आप इसमें, जिससे इसके कान थोड़े और क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने का तरीका जो होता है, हम पहले इसके नीचे से टेप निकालेंगे, थोड़ा सा हम इसको ऊपर को चिपकाएंगे, फिर साइड में लॉक करेंगे। लॉक करना जरूरी इसलिए रहता है क्योंकि इससे थोड़ी मजबूती आ जाती है हमारे इसमें, एकदम से फटेगा नहीं ये। टेप हटने का डर रहता है ना इसमें से, बीच में से ये देखिए अब हमारे ईयर टेपिंग तैयार हो गई है। अब हमें इसे ना 3-3 दिन बाद हटाकर दोबारा लगाना पड़ता है। इस टेपिंग से इसके काम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।